ज्ञानिभिराब्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी पर हाथ उठा कर बोलो हरे कृष्ण जोर करिए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम जोर करिए बोलो हरे पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सदस्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री लव नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री लतीर्थ महाराज शांत महाराज एवं श्री गोकुलपति प्रभु रोहिणी सुत प्रभु श्री योगी महाराज अन्यान्य वैष्णव वैष्णव सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग वैष्णव लोगों से इस व्यास पूजा के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी हम लोगों से बात सुनी, इसलिए आज से व्यास पूजा है। आप लोगों ने श्रवण किया श्री व्यास ने कैसे प्रकट हुए हैं और श्री व्यास देव कैसे सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की, लेकिन रचना करते हुए जब शांति नहीं मिली तब श्री नारद जी आते हैं और नारद जी बताते हैं तुम्हें शांति क्यों नहीं मिला। बोले यथा धर्म दयास्तार था मुनि वैज्ञान कृतित न तथा वासुदेवस्य महिमा जुगवर्ती। तुमने दूसरे दूसरे धर्मों के ऊपर में जितने तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताया उतना तुमने भगवान की भक्ति को विषय पर नहीं बताया, इसलिए तुम्हें शांति तुम्हें नहीं मिली। तो भक्ति के ऊपर में क्या उन्होंने नहीं बताया, विशेष करके श्री गुरुदेव क्या कहते थे जितने सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है ये श्रीमद् भागवत जिसको बताया अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणा भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भास्कर रूप सोम वेदार्थ परिवर्तित। जितने शास्त्र का निचोड़ है कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। कहते तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रचिकोचित। अगर ये भागवत ग्रंथ का रस को कोई एक बार आस्वादन कर ले फिर तो और उनको किसी ग्रंथ में उसको रुचि नहीं रह जाए। इसलिए विशेष करके श्री गुरुदेव कहते थे श्री नारद जी श्री व्यास देव जी को पूछे तुमने ब्रज की मीठी मीठी लीला तुमने सुनाया है, क्योंकि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप वो कृष्ण का नित्यदास है, इसलिए जब तक जीव ये कृष्ण भक्ति नहीं करेगा तब तक जीव को कभी शांति सुख मिलेगी नहीं। इसलिए गुरुदेव विशेष करके कहते थे तुमने ये वर्णना किया क्या ग्रंथ में कृष्ण कैसे परात पर तत्व होते हुए भी भक्तों का सखाओं का सख्य रस में इतने वशीभूत हो गए कभी कृष्ण को सखा लोग घोड़ा बना देते थे। अगर कभी श्रीराम कृष्ण को पछाड़ दिया तो बोले कन्हैया घोड़ा बन, बोले मैं घोड़ा नहीं बनता, बोले घोड़ा नहीं बनोगे, बोले इससे भी बात मत करो इसको अकेले कर दो। कृष्ण कहते नहीं नहीं मेरे को ऐसे मत क्या करो, अकेले मत क्या करो, मैं घोड़ा बोलूँगा चलो। बोले बस करके श्री माठ से लेकर के बंसी बैठ तक उनको पीठ के ऊपर में उनको घोड़ा बना करके उनको बना कर ले जाते थे। अगर कभी सखाओं को कभी मीठा फल पिलाना बोले कन्हैया ये फल बड़ा मीठा है, बोले सारे अकेले खाओगे, इसलिए कृष्ण झपट करके वो फल को खा लेते थे।
इसलिए गुरुदेव ने बताया, तुमने ये बात बताई कैसे वो जिसको भगवान स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जो पूर्ण ब्रह्म जो सनातन है, लेकिन वो होते हुए भी भक्तों का प्रेम में कितने वशीभूत हो गए हैं। विश्व ब्रह्मांड को जो शासन करते हैं, कान को पकड़ा करके उठाते हैं बैठाते हैं, अगर कन्या कभी मक्खन चोरी कर दिया तो, कभी मिट्टी खाई तो, मैया जाकर के सीधा कान को पकड़ती है। सारा दुनिया का कान को जो पकड़ करके उठाती है बैठाती है, मैया उनको कान पकड़ दी, बोले कन्या तुमने मक्खन खाई, लेकिन कृष्ण डर से क्या कहते हैं, मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो। इसलिए कृष्ण डर से बोलते भैया, भैया मैंने मक्खन नहीं खाया है, हैं? कहते तुमने ये बात तुमने कहीं बताया, बोले नहीं, पर तुमको शांति कैसे मिलेगी, बोले विशेष करके तुमने ये क्या बताया, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, गुरु जी ने बताया भागवत का सार क्या है, भागवत का सार क्या है, बोले श्रीमद भागवत ग्रंथ को बताया, ये भागवत नहीं तेन अयं वाङ्मयि मूर्ति। यदि भागवत ग्रंथ यदि भगवान की सप्त ब्रह्मात्मक ग्रंथ है, उसमें दोनों जो चरण है, यदि प्रथम द्वितीय स्कंध, तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान की गुरु, पंचम स्कंध नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंध हाथ है, उनका अष्टम स्कंध बक्ष स्थल, कंठ का नवम स्कंध, दसम स्कंध उनके मुखार बिंद है। तो गुरुदेव कहते थे जैसे किसी व्यक्ति को अगर दर्शन करना तो हम कैसे पहचानते, हाथ को देखेंगे ना, प्यार को देखेंगे, किसको देखेंगे, उनको मुखार बिंद देखेंगे, मुख को देखेंगे पहचानते हैं ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति है। भागवत का मुखार बिंद क्या है, बल ये श्रीमद दसम स्कंध ये भागवत का ये मुखार बिंद। लेकिन उसमें एक व्यक्ति दुखी ना सुखी कैसे पता चलता है, अगर वो उसका मुँह लटका हुआ हो पता चलेगा भैया दुखी, अगर खिलता हुआ हो हंसता हुआ हो बोले भैया ये सुखी है। इसलिए मतलब भागवत का कहते सार का जो सार किया है, बोले सार तो दसम स्कंध है, लेकिन उसका सार किया है, बोले उसका सार हंसी, हंसी मतलब कहते रासलीला, ये रासलीला ही भागवत का सार है, हैं? लेकिन रासलीला का सार क्या है, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, कृष्ण सारा दुनिया में ठीक हाँते हाँते आए, जो जैसे मेरे को भजन करते हैं मैं उसको वैसे ही भजन करता हूँ। लेकिन केवल उन्होंने रासलीला में आकर के कृष्ण कहते हैं, हे ब्रज की भूमिया, ब्रह्मा जैसे मैं परमायु पा करके भी तुम्हारी ऋणी को मैंने कभी चुका नहीं सकता, कभी मैं चुका नहीं सकता हूँ। इसलिए बोले भागवत का सार रास है, लेकिन वो रास में जो सार क्या है, कभी ये राधा रानी की प्रेम, राधा रानी की ये भक्ति है। इसलिए रासों में जब श्री श्याम, जब राधा रानी की मान हो जाती है और गोपियों की सौभाग्य मर्द हुई, जब कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए जब कृष्ण रास प्रत्याग किए, राधा रानी को लेकर के गोपियां जब श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कृष्ण का दो चरण है, लेकिन देखा कृष्ण का दोनों चरणों के बीच में एक छोटी सी एक सुंदर चरण है। उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे दो दल में कभी लड़ाई होना, जो जीत जाता है वो क्या करता है, शंख बजाता है, बोला हमारी जीत हुई है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देखो यद्यपि रासलीला ने उनका सपक्ष विपक्ष तटस्थ सबके सब गोपियां तो थी है, लेकिन कृष्ण किसको लेकर के अंदर ध्यान हुए, बोले लगता है किसको लेकर के, बोले अनया राधिका पर श्रीमती राधा रानी को लेकर उन्होंने अंतर ध्यान हुए। इसलिए सार कौन है भागवत का, बोले ये श्रीमती राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, वृंदावन तो कृष्ण का धाम है, लेकिन कोई कृष्ण कृष्ण नाम नहीं लेते, किसका नाम लेते, जोर से बोलो, और जोर से। इसलिए कहते हम व्यास देव का चरण में हम इतना ऋणी क्यों, कारण क्या है व्यास देव का चरण में, जिसमें उन्होंने श्रीमती राधा रानी की महिमा को जहां पर उन्होंने वर्णन किया है। इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं,
ब्रह्मी स्वराज इस दुर्व पदार विद जिनकी चरण कमल ब्रह्मा के लिए शंकर के लिए उद्धव के लिए नारद के लिए भी जिनका चरण कमल दुर्लभ है। जब इनकी बात छोड़ दो, अगर कभी राधा रानी मान कर लेती है जहाँ परात पर तत्व स्वयं परम ब्रह्म कृष्ण जहाँ पर कहते हैं न पार है अहम निरबद्ध संयुजा जहाँ पर कहते हैं है? जहाँ पर कहते हैं तत्केल कुंज भवना जग मार जनिस्या है जहाँ पर श्री श्याम सुंदर गेट को बाहर में खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके गोपियों को कहते हैं थोड़ी सी श्रीमती राधा रानी को साथ में हमें खिला दो। जहाँ पर कृष्ण के लिए भी राधा जी की चरण की दुर्लभ है, इसलिए राधा नाम को उल्टा दो। बताओ तो क्या जोर से, इसलिए कहती है राधा रानी नहीं ये कौन है, बल्कि कृष्ण प्रेम रस की धारा। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं वैदग्ध सिंधु रस मूर्ति कृपायुग सिंधु लावण्य सिंधु वात्सल्य सिंधु श्री राधिके स्फुरत में रसकेल सिंधु। जैसे सात समुद्र है कभी श्रीमती राधा रानी में भी ये सात समुद्र विद्यमान श्री राधा रानी में। इसलिए हम श्री व्यास देव का चरण में इसलिए इतना ऋणी है, इसलिए श्री व्यास पूजा है। इन्होंने श्रीमद भागवत ग्रंथ में जहाँ पर राधा रानी की प्रेम उन्होंने चरमता को दिखाया, जिस प्रेम सिंधु में स्वयं श्याम सुंदर भी गोता लगाते हुए श्याम सुंदर भी कलयुग में राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझ नहीं सके, इसलिए कृष्ण कलयुग में भले राधा भाव युग सुबलिंगम नवमी कृष्ण स्वरूपम कृष्ण स्वयं श्री राधा जी की भाव अंग कांतियों को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु में आए और सर्वत्र आस्वादन करते हुए वो प्रेम रस उन्होंने प्रदान किया। इसलिए इसलिए हम सबके सब श्री व्यास जी को चरण में हम सबके सबके हम इनके चरण में ऋणी हैं। आज से व्यास पूजा, बोले भैया व्यास पूजा का मतलब क्या है? तब प्रभुपाद कहते हैं साधारण लोगों का धारणा है व्यास पूजा का कि साल में एक बार गुरु जी को चरण में जाओ और एक फूल की माला ले लो, कुछ प्रणाम ले लो, कुछ कपड़ा दे दो और गुरु जी के चरण में दे फिर बात व्यास की हमारी होगी। कहते हमारी व्यास पूजा हो गई। कहते नहीं, इसको प्रभुपाद कहते इसको व्यास पूजा नहीं कहते हैं, इसको व्यास पूजा नहीं कहते हैं। मतलब ये तो देनी चाहिए, ये तो उपचारिकता, ये तो देनी चाहिए, लेकिन व्यास पूजा का असली तात्पर्य क्या है? हैं कहते असली तात्पर्य व्यास पूजा का गुरुदेव जो भजन पद्धति गुरुदेव का वो भजन पद्धति को अपना जीवन में हमें उतारनी चाहिए। गुरुदेव का भजन आदर्श को हमें अपना जीवन में उतारनी चाहिए। गुरुदेव कैसे भजन करते थे, कैसे हरिनाम करते थे, कैसे भगवत प्रेम में कैसे डूबे रहते थे, वह चीज को अपना जीवन में अगर हम उतारा सकें तो तभी पूरा पूजा की तभी वास्तव का सार्थकता है। इसलिए यद्यपि सब संप्रदाय में ज्ञानी कर्मी योगी सबके सब आज व्यास पूजा कर रहे हैं, सबके सब व्यास पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं लेकिन वास्तविक व्यास पूजा किसकी हो रही है? बोले जो गुरुदेव शिष्यों को है, अभी बता रहे थे ना शंकर जी पार्वती को कहते पार्वती गुरव भव संति शिष्य वित बहार का दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संता भार्गव। जगत में बहुत गुरु है जो केवल शिष्यों का संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। बोले बताओ कौन सा मंत्र लेना चाहते हो? कौन सा? शंकर जी के? बोले हम शंकर जी के मंत्र लेना चाहते हैं। सब चेला को बैठा देंगे। बोले देखो हमारे पास में सारे मंत्र है, शंकर जी का मंत्र, देवी का मंत्र, गणेश जी का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, कृष्ण विष्णु का मंत्र, मैं सारे मंत्र बोल देता हूँ। जो जिसको प्यार करते हो ना बस उसी मंत्र ले, भले ही प्याज लहसुन खा रहे हो, भले ही शराब पी रहे हो, भले ही मांस खा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र ले लो। हमारे पास में मंत्र ले लो। बोले क्यों? बोले कम से कम साल में एक बार तो आएगा गुरु पूजा करने के लिए और तो गुरु जी को कुछ तो प्रणाम देगा। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती जगत में ऐसे बहुत सारे गुरु है जो केवल शिष्यों का संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, जिसमें कोई विधि विधान नियम नहीं, लेकिन पार्वती दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संताप हार्गव।
वास्तव रूप में जीव का जो दुख है, ये दुख से निकाल करके उसको भगवत चरण में पहुंचा करके भगवत प्रेम रस को, राधा रानी प्रेम रस को जो पिलाने वाले गुरु, वो सही गुरु है, वो सही गुरु वही है। इसलिए श्री ध्रुव महाराज जब नारद की कृपा से, ध्रुव महाराज जब वैकुंठ विजय कर रहे थे उसी समय नारद जी बिना बजा बजा करके उछल उछल करके नाच रहे थे, बोले क्यों, बोले आज हमने मेरी कृपा से आज एक जीव ये भव सागर से उधार होकर के कहा भगवत धाम जा रहे। नारद जी उछाल उछाल करके नृत्य कीर्तन करते करते कीर्तन कर रहे थे, मतलब गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं, गुरुदेव क्या गुरुदेव यही चाहते हैं, आओ प्यार दबाओ तेल लगाओ और कुछ अपना पैसा दे दो, बोले नहीं गुरु ये चीज दुनियादारी चीज गुरुदेव नहीं चाहते हैं। गुरुदेव तभी संतुष्ट होते हैं जब हम निष्कपट रूप में जब हम भगवान की भक्ति करें, तभी सदगुरु तभी ये प्रसन्न होते हैं, नहीं तो सदगुरु हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते तब भी ये व्यास पूजा करना सार्थकता है जब हम ऐसे अपना संपूर्ण हृदय को गुरुपाद पर देंगे। इसलिए गुरुदेव दो तीन उदाहरण गुरुदेव देते थे, गुरुदेव कहते थे शिष्य कैसे बननी चाहिए, इसलिए कहते शिष्य चार तरह का है, कितने तरह का है, एक है उत्तम है, एक मध्यम है, एक कनिष्ठ है और एक अधम है। बोले उत्तम सेवक कौन है, बोले उत्तम सेवक वह है गुरु जी की भावना को समझते हुए जो सेवा करे, गुरु जी बोलने से पहले उनकी भावना को समझ करके जो सेवा करते, कहिए उत्तम सेवक है। कहते मध्यम सेवक कौन है, बोले गुरु जी बोलने पर, हैं गुरु जी बोलने पर उसको गुरु जी के आदेश को मान करके जो श्रद्धा पूर्वक करे। बोले अधम कौन है, बोले गुरु जी बोलने पर भी सेवक, गुरु जी बोलने पर भी। इसलिए गुरुदेव कहते थे एक सेवक होता है भ्रमर भौरा, भौरा जो गुण 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 करता है ना, अगर गुरुदेव ने कहा बेटा जाओ कि ये सेवा करके आओ, वो व्यक्ति को खबर पहुंचा करके आप बुला करके, बोले गुरु जी अगर वहां पर गए अगर वो नहीं मिले तो कर गया वहां पर, नहीं अब गया नहीं, बोले अगर नहीं मिले तो, बोले गुरुदेव अगर कहीं अगर गए होंगे तो बस हो गया। बाण एक सेवक होता है बाण तीर जैसे मारते हैं ना, गुरुदेव कोई आदेश दे रहे, अभी आदेश दिया ही नहीं पूरी, पहले भाग करके चले गए, फिर थोड़ी देर बाद में बापू साहब ने क्या बात है, बोले गुरुदेव आपने क्या बताया मैं समझ नहीं ना। इसलिए एक्स में कोई एक शिष्य थे, हैं गुरुदेव ने सुंदर सुंदर चुटकुले सुनाया करते थे, कोई शिष्य थे गुरुदेव ने कहा देखो बेटा जब तो कोई एक लाख माला नहीं करता है ना ठाकुर स्थान में भजन नहीं करते, अभी गुरुदेव ने कहा एक लाख माला जब करने का पास माला लेकर बैठे, पहले नियम था हर शिष्य को बाहर जाकर के भिक्षा करना पड़ता था, भिक्षा वस्तु लाकर गुरु को देना पड़ता था, फिर रोसे बना करके गुरु जी को ठाकुर को देकर गुरु जी को देना पड़ता था। अभी गुरु जी बोले बेटा भिक्षा में नहीं जाओगे, फिर गुरु जी आपने बताया था ना जो एक लाख माला पूरी करने के लिए, अभी तो माला पूरी नहीं हुई, अभी गुरु जी स्वयं भिक्षा हुए, गुरु जी भिक्षा करके ला, बोले बेटा कम से कम सब्जी आप यहाँ कर दो रोसे बना दो, बोले गुरु जी अभी तो माला थोड़ी सी बाकी है, अभी गुरु जी स्वयं रोसे बनाए, रोसे बना करके गुरु जी अभी बोले बेटा कम से कम ठाकुर तो भोग लगा दो, बोले गुरु जी अभी थोड़ी सी बाकी है, अभी गुरुदेव स्वयं भोग लगाए, उसके बाद में गुरुदेव बोला बेटा कम से कम आसन तो बिछा दो, बोले गुरुदेव थोड़ी सी तो बोले बाकी, जब गुरुदेव आसन बिछा दिया बोले अभी प्रसाद नहीं पाओगे, बोले गुरुदेव आपका आज्ञा कितना अमान्य करूंगा, कम से कम लास्ट आने से तो पालन कर बैठ गए प्रसाद। इसमें पास गुरु जी की सेवा, गुरु जी की सेवा हो गई, बोले नहीं ऐसे गुरु जी की सेवा नहीं, ऐसे सेवकों का सेवा नहीं कहते हैं। इसलिए गुरु जी की अभीष्ट को जान करके, उनका अभीष्ट एक ही अभीष्ट है शुद्ध रूप में भजन कर और भगवत वाणी को श्री चैतन्य मन अभीष्टम स्थापितम जन भूतले, विशेष करके दो इच्छा है, एक तो निष्कपट रूप में भजन करो और दूसरा काम क्या करो, जगत में महाप्रभु का वाणी को जगत में प्रचार और प्रसार करो। अगर ये दो चीज अगर हम कर पाएंगे ना, फिर गुरुदेव जो सद्गुरु है यही चीज को देख करके गुरुपाद पद्म हमारे ऊपर में प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर में गुरुदेव कृपा करते हैं। इसलिए जब गुरु पूर्णिमा, एक समय गुरुदेव के पास कोई शिष्य आए, गुरुदेव का गुरुदेव हमको पहचानते हो,
बोले तुम कौन हो? बोले गुरुदेव मेरे को पहचान नहीं रहे हो, मैं तो आपका शिष्य हूँ। बस गुरुदेव क्या कहते थे? बोले कितने दिन बाद में आए हो? बोले साल में एक बार आया। साल में गुरु पूजा करते थे, साल में एक बार आया। बोले गुरु जी से क्या मंत्र लेने पर हो गया सब कुछ काम? साल में एक बार आओगे, अब बोलोगे गुरुदेव क्या मेरे को पहचानते हो, हम क्या पहचानते हो? नहीं, गुरुदेव जो मंत्र दिया है ये हमारा हृदय एक खेती है। जो मंत्र दिया उसमें उन्होंने बीज को बोए हैं, उसको बाद में उसमें पानी देना किसका काम है? पानी देना शिष्य का काम है। पानी मतलब क्या है? बोले नित्य श्रवण कीर्तन चले करे सचन। केवल माला लेकर के हैं, अगर मंदिर में नहीं आओगे, हरि कथा नहीं सुनोगे और आओगे नहीं, पर क्या होगा? कुछ दिन बाद में देखो माला है ना, जहाँ पिता लग रहे चूहे उसमें घोषणा कर लेंगे। लेकिन अगर मंदिर में आएंगे, भक्तों का संग करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, खैर तो क्या होगा? वो भक्ति लता धीरे 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 परंपरा तो ये बढ़ेगा। अगर मंदिर में नहीं आएंगे, साधु सेवा नहीं करेंगे, हरि कथा नहीं सुनेंगे, फिर तो दो दिन बाद में गला से कट्टी भी उतर जाएगी, तिलक भी कहीं रह जाएगी और माला जहाँ के तहाँ माला वहीं के वहीं माला लटक रह जाएगी। इसलिए केवल मंत्र लेना सब कुछ नहीं, मंत्र लेना ही सब कुछ नहीं, उसको बाद में श्रवण कीर्तन पानी में उसको सचन करनी चाहिए। इसलिए कोई कोई कहते ना कि मठ मंदिर का कोई जरूरत नहीं, नहीं ये एकदम इस बात एकदम बोगस का बात है। मठ मंदिर नहीं होता तब कहाँ आकर बैठते, कथा कहाँ पर सुनते? मंदिर है तभी तो यहाँ पर आकर कथा सुन रहे हो। अगर मंदिर नहीं होता तो कहाँ कथा तुम बैठ सुनते? इसलिए इसका नाम प्रभुपाद कर रखा आश्रम। आश्रम मतलब क्या है? जहाँ पर भक्तों का आश्रय हो, जहाँ पर भक्तों लोग रहे, हरि भजन करे, भक्ति करे, पठन्ति वसन्ति चत्र छात्रा, जहाँ पर रह करके पारमार्थिक विद्या को जहाँ पर अध्ययन करे। मंदिर है तभी तो साधु यहाँ पर रह रहे हैं, मंदिर है तभी तो आप लोग आ रहे हो, मंदिर है तभी तो ठाकुर का दर्शन हो रहा है ना। अगर मंदिर नहीं होता तो कहाँ पर जाते, कहाँ पर जाते? प्रभुपाद का वैकुंठ है, मंदिर स्थापन किया 64 मंदिर, प्रभुपाद ने 64 मंदिर स्थापन किया। उसको बाद में प्रभुपाद का शिष्य ने सर्वत्र उन्होंने ये मंदिर को स्थापन किया, तभी इतने भक्त लोग आकर के जुड़ रहे हैं और इतना भक्त आकर के भजन कर रहे हैं। इसलिए मंदिर का बहुत प्रयोजनीयता है। इसलिए भक्ति में सबसे जो बड़ी चीज गुरुदेव कहते थे गुरु निष्ठा, गुरु निष्ठा। जब तक गुरु निष्ठा नहीं होगा ना तब तक भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए श्रीला वामन गोस्वामी महाराज कहते थे, बोले देखो हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने महाप्रभु को नहीं देखा, हमने नित्यानंद प्रभु को नहीं देखा, हमने षड्गो स्वामी को नहीं देखा, देखा किसको? हमने गुरु जी को देखा। गुरु जी कहते हैं ठाकुर है तभी हम मान रहे हैं, गुरु जी बोल रहे हमने नहीं देखा है। इसलिए गुरु जी के चरण में कभी एक समय भक्ति प्रज्ञान कैसे हो गोस्वामी महाराज, सारे शिष्यों को उन्होंने प्रश्न किया। उनका प्रश्न था भगवत भक्ति पाने का सबसे सरल उपाय किया, भक्ति का डेफिनेशन किया। सब लोगों ने भक्ति की बड़ी बड़ी डेफिनेशन बताई, हाँ अन्याभिलाषिता शून्यम साफ बराबर। लेकिन जब से वामन गोस्वामी महाराज की बारी आई, देखो वो क्या कहते हैं। वामन गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, बोले देखो अभी तो मैंने ठाकुर सेवा करता हूँ लेकिन प्रसन्न है कि नहीं मेरे को तो पता ही, ठाकुर प्रसन्न हो रहे कि नहीं रहे, भगवान की भक्ति करता हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा। अगर हमारी क्रिया से, हमारी सेवा से अगर श्री गुरुदेव अगर प्रसन्न हो रहे, हमारी सेवा से अगर श्री गुरुदेव प्रसन्न हो रहे, मैं समझ जाऊंगा ठाकुर अपने आप प्रसन्न हो रहे। अगर हमारी सेवा से अगर गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं नहीं, फिर तो मैं समझूंगा हमारी भजन साधन ठीक नहीं। इसलिए गुरु जी की पहले हमारे महाराज कहते थे हम डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर गुरु जी की पहले भक्ति गुरु जी की करो, फिर जो गुरु जी की भक्ति करेंगे फिर ये भक्ति ट्रांसफर होकर के भगवान की सेवा में लगेगा। पहले गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करो, फिर जाकर के भगवान प्रसन्न हो सकता है। गुरु जी की प्रसन्न किए बगैर कोई डायरेक्ट भगवान प्रसन्न करना चाहते हैं ये असंभव है। इसलिए गुरु जी की चरण में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन गुरु जी का गुरु तत्व भी होनी चाहिए। ऐसे गुरु सेवा करनी चाहिए लेकिन गुरु जी का भी 3 लक्षण बताए, बोले तस्मात गुरु प्रपद्येत
जिज्ञासु श्रेय उत्तम साप्ते परेशन स्नातम ब्रह्म नील पर समास है। गुरुदेव का बाहर लेखन सारे शास्त्र जाननी चाहिए, सारे शास्त्र जानना इनब नहीं लेकिन अनुभूति होनी चाहिए और माया से दूर रहनी चाहिए। ये गुरु जी की ये तीन लक्षण है, अगर तीन लक्षण में लखी रहे फिर तो सदगुरु माना जाए। इसलिए आज श्री व्यास पूजा गुरु पूजा है, इसलिए हम सबके सब व्यास देव से गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं वो सब हम लोगों को ऊपर में कृपा करें, आशीर्वाद करें, एक दिन हम सबके सब गुरु वैष्णव की आनुगत्य से भगवत भजन करते हुए जीवन में हम सार्थकता बनाए। हम यही बोल करके अपना वाक्य विश्राम देता हूँ।